हेलो फ्रेंड्स, एचडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जालीदार डिजाइन बताऊंगी। इसको आप अपनी जैकेट में डालिए, बहुत सुंदर डिजाइन बनेगा। ये देखिए, 2 का मल्टीप्लाई करना है और इस प्रकार से इस डिजाइन को बनाना है। बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। एक फंदा हम सिंपल बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। आगे धागा करने के बाद हम 2 फंदे लेंगे। ये देखिए, 1 2, 2 फंदे एक साथ लेंगे ऐसे, लेकिन पीछे की साइड से ऐसे, और इस प्रकार से बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर इसी प्रकार 2 फंदे एक साथ लेंगे और बैक साइड से बुन देंगे। फिर धागा आगे किया और फिर इसी प्रकार से बुन लिया। ये देखिए, 2 फंदे एक साथ लीजिए और पीछे की तरफ से बुन लीजिए। पूरी रो हमें इसी प्रकार से बना ली। ये देखिए, फिर धागा आगे करें और ये 2 फंदे एक साथ लीजिए ऐसे। अब ये एक फंदा बच गया, इसको हम सिंपल बनाएंगे ऐसे। अब ये देखिए आप, यहाँ पर हमने फर्स्ट में ही जाली डाल दी थी, इसलिए अब हम लास्ट में नहीं डालेंगे और इसको टर्न करेंगे। अब यहाँ से इसी प्रकार बनाएंगे, ये फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पर पहले जाली डालेंगे। आप जाली इस प्रकार से भी डाल सकते हैं, जैसे हम ऐसे करके डालते हैं, लेकिन इसमें हम पीछे की तरफ फंदा घटाएंगे तो ऐसे जाली नहीं डलेगी। ऐसे धागा आप आगे कीजिए और पीछे की तरफ बुनिए इस फंदे को। एक ये फंदा लेना है और दूसरा फंदा हमें ये धागा जो जाली वाला है इसको लेना है। अब दोनों को एक साथ ऐसे लीजिए, धागा आगे रखिए और पीछे की तरफ बुनिए ऐसे। ये देखिए, ये फर्स्ट में हमारी अपने आप जाली आ गई है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी जाली बनानी है और इधर से फर्स्ट वाली सिलाई में भी जाली बनानी है। धागा आगे करें और इसी प्रकार से फिर से बुनें। ये फंदा लेंगे और साथ ही हम ये धागा भी लेंगे जाली वाला, और थोड़ा लूज करके बनाएंगे ऐसे। फिर धागा आगे लेंगे, इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे ऐसे। ये देखिए, फिर धागा आगे किया, ये फंदा और ये जाली वाला धागा दोनों को लिया ऐसे, और फिर इसी प्रकार से बुन लीजिए। फिर धागा आगे करेंगे, एकदम क्रोशिया जैसा बुनाई आएगा और बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। धागा आगे करें और ये देखिए, यहाँ पर बीच में जाली वाला धागा है, ये फर्स्ट वाला फंदा है, इन दोनों को यहाँ से लेंगे और इसी प्रकार से फिर से बना लेंगे। ये सिंपल फंदा बचा, अपनी तरफ धागा किया और इसको बुन लीजिए। अब हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। ये 2 सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करनी है, और रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन हमारा देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही फिर से जब शुरू करेंगे इधर से, तो फिर ऐसे ही धागा आगे किया और
इस फंदे को और इस जाली वाले फंदे को, इन दोनों को उसी प्रकार से फिर से बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को फिर से पीछे की साइड बनाएंगे ऐसे। इसी तरह से बनाते रहेंगे और बार बार यही रिपीट करना है। और देखिए कैसा डिजाइन बनकर तैयार होता है, ये देखिए आप कितना सुंदर डिजाइन बनकर तैयार होता है। ऐसा लगता है मानो क्रोशिया से बनाया है। आप इसको किसी भी जैकेट में डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।